नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। यहाँ से जेवर विधानसभा अंतर्गत रुबूपुरा से मैं आपको पूरा एक्सक्लूसिव दिखा रहा था। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन था। उनके आगमन को लेकर भाजपा समर्थक और आम आदमी में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इतना ही नहीं, बड़ी भीड़ होने के कारण प्रशासन कई बार उस भीड़ को काबू करने में जूझती हुई नजर आई, और साथ ही साथ तमाम दावे वादे मंच से बरसाए गए। जेवर एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी और फिल्म सिटी से लेकर मुफ्त में कोरोना वैक्सीन तक की बात की गई। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ भाजपा के महिला समर्थक हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि सत्ता का दावा है 5 वर्षों में महिला सुरक्षा सर्वाधिक मजबूत हुआ है। तो हम इस चीज़ को लेकर यहाँ उपस्थित महिलाओं से बात करते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो मैम, आपका नाम क्या हुआ? रजनी तोमर। आप भाजपा की सदस्य हैं और भाजपा समर्थक हैं जी। पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि महिला सुरक्षा हमने बहुत मजबूत किया है जी। क्या सही में किया है या केवल मंचों पर किया है जी? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर से महिला मोर्चा अध्यक्ष रजनी तोमर। नमस्कार सभी को। ये सुरक्षा का जो वादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो करके भी दिखाया है। इसीलिए सारी बहनें, अब देखो आज यहाँ कड़ी धूप में इतना लंबा इंतजार किया है किसके लिए? माननीय योगी जी के लिए। वो बैठी हैं और एक तरफा वोट नारी शक्ति का हमारे माननीय योगी जी के लिए। सभी बहनें बहुत खुश हैं और वादा कर रही हैं, संकल्प ले लिया है, दृढ़ निश्चय बना लिया है, मन बना लिया है कि हम वोट योगी जी को ही देंगे और आएंगे योगी जी ही। तो सभी बहनें बहुत खुश हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समाज में उनकी मजबूती को लेकर बहुत बातें की जाती है। भारतीय राजनीति की एक ये विडंबना है कि 50% आबादी जो महिला हैं उनकी हिस्सेदारी राजनीति में आज भी 30% से कहीं कम है। हालांकि दावे बहुत किए जाते हैं, तो मैं वो भी बात करूंगा कि महिला इन 5 वर्षों में कितना सशक्त हुआ है। आपका क्या नाम है मैम? ज्योति सिंह। जिले में मैं पदाधिकारी हूँ, जिला मीडिया प्रभारी। भाजपा के जिला पदाधिकारी हैं और जिला कमेटी के सदस्य होंगे। तो मैम, ये जो बात है कि महिला आत्मनिर्भर हुई है वो लग नहीं रहा कहीं से, केवल दावे हैं, चूँकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप देखें तो आज भी बहुत कम है। हालांकि इन्हीं दावों का फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाई है, जब प्रियंका गांधी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली बात। आपको क्या लगता है कि भाजपा महिलाओं के साथ कितनी खड़ी है? बिल्कुल 100% खड़ी है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि देखिए, उसमें कुछ महिलाएं जो हैं वो नहीं पहुँच पाई हैं, इसके लिए तो मैं क्षमा याचना कर रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी थोड़ा टाइम लेट हो गया, कुछ लोगों को दूध निकालना है, घर में काम कर रहे हैं, आई तो ज़रूर थी, लेकिन वो फिर भी कुछ डटे रहीं, बैठे रहीं धूप में यहीं पर। लेकिन योजना के भी लाभ मिल रहे हैं उनको, जैसे जनधन योजना हो गया, रसोई गैस का उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से निकल के आता है कि जब महिलाएं आई, ठीक है, उनके मत का व्यापक प्रयोग किया जाता है, अगर भाजपा महिलाओं के साथ इतनी ही खड़ी है तो उत्तर प्रदेश के जो सीटें हैं, पूरी विधानसभा सीट, कितने प्रतिशत सीट पर महिलाओं को मौका दिया जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को ही दिया गया है यहाँ पर। आपने देखा भी होगा, ऐसे क्यों कह रहे हैं, हमारे तो केंद्र में भी बहनों ने बहुत पदों पे पदाधिकारी बनी है। तो क्या आप कह रहे हैं कि भाजपा 50% सीट जो है वो महिलाओं को देगी? हमारी बहनों के लिए तो सबसे ज़्यादा मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी ने काम किया है, इसीलिए तो सशक्त नारी सशक्तिकरण सबसे नंबर वन पे चल रहा है हमारे यहाँ। चलिए, अभी दावे हैं, हालांकि अपेक्षा यही है कि समाज में अगर महिलाएं आगे बढ़ती है तो बेशक महिलाओं के लिए तो अच्छा है ही, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है। कैमरा सहयोगी मेघा के साथ रंजन अभिषेक, 10 न्यूज़ नोएडा।